हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक एरा गाइस, आज की वीडियो में बनाने वाले हैं फेसबुक एपीआई। सो फेसबुक हम सबको पता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे हम डेली बेसिस पे बहुत कुछ अपने बारे में पोस्ट करते हैं, अपने जैसे फोटोज, वीडियोस, लोकेशन, सब बहुत कुछ हम पोस्ट करते हैं। और हमारे साथ जितने भी फ्रेंड्स हमसे कनेक्टेड हैं वो इन पोस्ट पे कमेंट करते हैं। सो आज के एपीआई का ये वर्क होगा कि हमारी पोस्ट पे जो भी कमेंट्स हैं उनको फेच करना। तो वीडियो के अंदर बहुत ही इजी वे में सिखाया गया कैसे ये एपीआई क्रिएट होगी। उम्मीद करेंगे आपको ये एपीआई क्रिएट करना अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फेसबुक का डेवलपर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ एपीआई की मदद से और पाइथन लाइब्रेरी की मदद से ये एपीआई क्रिएट करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं वीडियो के अंदर और अपना एपीआई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है और फिर हमको पेजेस के ऑप्शन पे आना है, हमको एक पेज क्रिएट करना है। अगर आपने पास्ट में कभी पेज बनाया होगा तो आपके वो पेज यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आपको उन्हीं पेज का इस्तेमाल करना है। अगर आपने अभी तक कोई पेज नहीं बनाया है तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक नया पेज बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और पेज क्रिएट करने के बाद आपको फिर ओपन करना है फेसबुक डेवलपर। सो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारा डेवलपर पोर्टल ये खुल गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक करना है। और जो भी आपका सिस्टम पे जो अकाउंट लॉगिन होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो उसको एक्सेस कर लेगा, और फिर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा और आपकी जीमेल आईडी मांगेगा, सिंपली आपको डालनी है। फिर इन दोनों पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो सिंपली आपको डेवलपर पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पर एक ऐप बना सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है और आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं अपने डेवलपर पोर्टल के अंदर। सो फेसबुक की ये खासियत है कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाता है आपका डेवलपर पोर्टल का। सो बिना देरी करे अब यहाँ पे हम ऐप बनाएंगे। सो देखिए यहाँ पे ग्रीन बटन है क्रिएट ऐप, सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको अदर्स वाले ऑप्शन पर जाना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने ऐप का टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम देना है। सो इसका मैं नाम दे देता हूँ कमेंट फेचर, एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऐप। सो क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे अपना फेसबुक का डालना पड़ेगा पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट। अब आप अपने जो ऐप है उसके डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। देखिए आपके ऐप का नाम है और ये इस ऐप का डैशबोर्ड है। सो ऊपर देखिए मेन्यूज में टूल का ऑप्शन है, टूल के अंदर आपको ग्राफ एपीआई दिख रहा होगा, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले हमको फाइंड करना है अपना एक्सेस टोकन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो आप देखेंगे यहाँ पे मेटा ऐप आपका देखिए कमेंट फैसे जो कि नाम हमने लिया था। अब हमको यूजर और पेजेस के अंदर हमको अपना पेज सेलेक्ट करना है, तो देखिए गेट टोकन ये ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, गेट यूजर एक्सेस टोकन, गेट ऐप टोकन और गेट पेज टोकन। ठीक है, तो हमको पेज वाला चाहिए, तो हमने थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। अभी हमसे परमिशन मांगेगा, सो कंटिन्यू किया हमने। और यहाँ पे हमने करंट पेज हमारे कौन कौन से हैं, जो भी आपके अकाउंट के अंदर जितने पेज होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। मैं अभी टेक एरा वाले पेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करूंगा एंड क्लिक ऑन सेव, गॉट इट। सो अब क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका पेज होगा वो यहाँ पे पेज एक्सेस टोकन के नीचे देखिए शो हो रहा है। देखिए पहले शो नहीं हो रहा था लेकिन अब परमिशन के बाद यहाँ पे मेरा टेक एरा पेज यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। और यहाँ पे देखिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पे दो परमिशन हमको मिल चुकी है, हम यहाँ पे दो परमिशन हमको और लेनी है, पेज मैनेज एंड पेज इवेंट।
एंड पेज रीड यूजर कंटेंट। सो ये जो हमारी पांच हमको परमिशंस हमको अपने पेज पर लेनी थी। इतना काम करने के बाद हमको जो है गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमसे फिर परमिशन मांगेगा, हमको कंटिन्यू प्रोसीड करना है और इस पेज को देखिए पेज ऑटोमेटिक सिलेक्ट है हमारा एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सेव। अब आपको फिर से अपना यहाँ पे देखिए पेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पेज होगा। जैसे यहाँ पे टैगरा पेज है, आपके केस में आपका जो पेज होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। सिंपली मैंने टैगरा पे क्लिक किया और अब लास्ट में मेरे को यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट में क्लिक करूंगा तो मेरे को मेरा पेज का नाम आ गया देखिए टैगरा, और इस पेज की आईडी मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। तो पहली चीज हमको हमारा पेज की आईडी मिल चुकी है और ये मेरा पेज का एक्सेस टोकन मिल चुका है। ठीक है, सो अब इन दो चीजों को हम एक नोट पैड पे सेव कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और ये नोट पैड है। सो ये मेरी पेज आईडी है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मेरा एक्सेस टोकन है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब तीन चीजों में से हमारे दो चीज हमको मिल चुकी हैं, पेज आईडी और एक्सेस टोकन। सो अब एक चीज और बचती है, वो है पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी के लिए आपको जाना पड़ेगा फेसबुक पेज के अंदर। तो हम चलते हैं। सो हमारा पेज है यहाँ पे टैगेरा, मैंने इस पे क्लिक किया। अब जो है हमारी देखिए एक पोस्ट आई है। ठीक है, अब इस पोस्ट की हमको एक पोस्ट आईडी चाहिए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स के नीचे देखिए लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सूट, इस पे आपको क्लिक करना है। ये पेज खोलने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पोस्ट एंड स्टोरी का ऑप्शन है, देखिए फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपकी सारी पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगी और उस पोस्ट के अंदर आपको उसकी आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारी ये जो पोस्ट है देखिए इस पे ये अभी हमारी 3 अप्रैल की पोस्ट है। तो अगर आपकी कोई पुरानी पोस्ट भी है तो यहाँ से आप फिल्टर लगा के आपकी पुरानी पोस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया और इस पोस्ट की सारी डिटेल्स मेरे को मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है देखिए। सो ये हमारी होगी पोस्ट आईडी। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी नोट पैड वाली फाइल में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों चीजें हमको मिल चुकी हैं। सो अब हमारा लास्ट पार्ट है, वो है कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको गूगल कोलैब का यूज करके हम इसको एपीआई बना के फेच करेंगे। सो सिंपली हमको आना है गूगल ड्राइव पे, ये रही हमारी गूगल ड्राइव। और उसके बाद हम चलते हैं न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद हम जाएंगे मोर पे। मोर पर जाने के बाद ये नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कनेक्ट मोर ऐप। अब देखिए यहां पे ऊपर सर्च बार है, तो यहां पे हमको सर्च करना है कोलैबोरेटरी। और देखिए सबसे पहला ऑप्शन पे हमको अब इसको हमको करना है इंस्टॉल, ये हमारा ऐप है। अब इस ऐप को करेंगे हम इंस्टॉल, इसी की मदद से ही हम अपना एपीआई कोड लिखेंगे। परमिशन दिया हमने इसको, और देखिए हमारा ऐप यहाँ पे जो ये इंस्टॉल हो चुका है ऐप हमारा, एंड डन। ठीक है, अब हम करते हैं इसको ऐप को ओपन। सो मोर पे गए और देखिए यहाँ पे गूगल कोलेबरीज हमारा ये ऐप यहाँ पे शो हो रहा है, हमने इस पे क्लिक किया।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गूगल कोलैब्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमको एक जो हमारी लाइब्रेरी है, फेसबुक लाइब्रेरी जो है पाइथन की, वो हमको इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे फेसबुक SDK लाइब्रेरी पाइथन। एक छोटा सा कोड है, वो हमको यहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है इसी के अंदर। इस कोड को हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे हमको इसको करना है पेस्ट, और हम करते हैं इसको रन। यहाँ पे देखिए स्टेटस आ रहा है यहाँ पे कनेक्टिंग का। जैसे कनेक्टिंग हो जाएगी उसके बाद हमारा ये जो फेसबुक SDK है ये इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे लिख के आ चुका है कनेक्टेड, और अब हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आ गया मैसेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ठीक है, हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब एक नया कोड का स्नैपेट लेते हैं, और यहाँ पे अपना अब API कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट फेसबुक एज FB, ठीक है। और उसके बाद हमको लेना पड़ेगा अपना एक्सेस टोकन। अब वो हमारा नोटपैड पे है ही, तो सिंपली हम यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पे कर देंगे पेस्ट। अब हमको लेना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे हम अपनी एक्सेस टोकन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ API FB. ग्राफ API, और यहां पे डाल देंगे अपना हम एक्सेस टोकन, ठीक है। अब लास्ट में हम एक गेट फंक्शन से हम जो है अपने कमेंट्स को फेच करेंगे। सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हमको अपनी सबसे पहले लिखनी है पेज ID। सो हमारी पेज ID क्या है, ये है। कॉपी किया हमने इसको और यहां पे हमने पेस्ट कर दिया। फिर हम लिखेंगे अंडरस्कोर, और उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे पोस्ट ID, जो हमारी पोस्ट ID है। कॉपी किया एंड पेस्ट। अब हमारी पेज ID यहाँ पे लिख चुकी है, पोस्ट ID लिख चुकी है। अब हमको चाहिए इसके कमेंट्स, तो हमने स्लैश लिखा यहाँ पे, और हमने लिखा यहाँ पे कमेंट्स। सिंपली हमारा यहाँ पे अब कोड पूरा लिख चुके हैं। अब इसको हम करेंगे रन। मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, और देखिए हमारे सारे जितने भी इस पे कमेंट आए थे वो सारे फैच हो चुके हैं। पहला कमेंट हमारा ये रहा, और दूसरा कमेंट ये रहा, और यहाँ पे तीसरा कमेंट हमारा ये रहा। तो यानी इस पोस्ट के अंदर हमारे 3 कमेंट्स आए हैं। अब इसको हम चेक करते हैं अपने पेज पे जाके। तो चलते हैं पेज पे, और पेज पे हमारा ये रही पोस्ट जिसका हमने अभी पोस्ट ID ली थी, और चेक करते हैं कितने कमेंट्स हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 कमेंट्स हैं हमारे पोस्ट के अंदर। तो इसके मतलब हमारे API बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आए बीच में तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।